अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 8 के टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं। हमने तमाम पार्ट को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से वेरीफाई करना है, इक्वल करना है, प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, जो कि है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये जो छोटा टी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू खड़ी है, जो चीज खड़ी है, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वल के राइट साइड पे जो खड़ी है, इसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज को हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिख लेंगे, ताकि हमें पता चले कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। देखें, ए मैट्रिक्स भी उसने हमें दे दिया है और बी मैट्रिक्स भी उसने हमें दे दिया है। तो पहले हम ए प्लस बी मालूम कर लेते हैं, उसके बाद उसका होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। देखें, ये जो ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये होल क्या है, यानी पहले हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। जब वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, तो उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो देखें, पहले हम ए प्लस बी ले लेते हैं। ए उसने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो कि है 1 2 0 1, और फिर बीच में क्या है, प्लस है, तो बीच में प्लस हो जाएगा। फिर मैट्रिक्स बी लिख लेंगे, जो कि उसने हमें दिया हुआ है 1 1 2 0, 1 1 2 0। ये दो मैट्रिक्स आ गए। अब दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो इसका मतलब है इन दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी कि 1 1 में ऐड होगा, 2 इस 1 में ऐड होगा, 0 2 में ऐड होगा, और 1 0 में ऐड होगा। जब भी हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो 0 प्लस 2 और यहाँ 1 प्लस 0 हो जाएगा। ये हमारी ए प्लस बी निकल रहा है। तो बस हम ऐड कर देंगे सिंपली, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2, और 1 प्लस 0 1 आ गया। ये हमारी क्या निकला है, ये हमारा ए प्लस बी निकला है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी तो निकल आया, एक मैट्रिक्स बन गया। अब हमने उसका ट्रांसपोज लेना है, ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल सके। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेने का क्या मतलब होता है, देखें, ए प्लस बी हम निकाल चुके हैं। ए प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका मतलब होता है कि रो को कॉलम में तब्दील कर दो, या कॉलम को रो में तब्दील कर दो। देखें, हम रो को कॉलम में तब्दील करते हैं, ये फर्स्ट रो है ना, तो इसको फर्स्ट कॉलम में तब्दील करते हैं। जब हमने ट्रांसपोज को अप्लाई किया, 2 1 सेकंड रो है, तो इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 2 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई, जो कि है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। आगे हम मजीद राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज अलग लेना है और बी का ट्रांसपोज अलग लेना है। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, फिर बी का ट्रांसपोज लेते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखें, ए तो हमें गिवन है। जब ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए हमारे पास क्या है, 1 2 0 1। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ए हमारे पास क्या है, 1 2 0 1, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो जब ट्रांसपोज लेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तब्दील हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में तब्दील हो जाएगी। यानी कि हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम 1 2। देखिए, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, फर्स्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा 1 2,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तब्दील हो जाएगी, यानी कि 0 1। इसी तरह बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी ऐसे ही रो को कॉलम में तब्दील कर देंगे, बी का 1 1 आ जाएगा और 2 0 आ जाएगा, यानी कि पहली रो पहले कॉलम में तब्दील हो गई और दूसरी रो दूसरे कॉलम में तब्दील हो गई। अब देखें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमारा निकल आया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड जो है इन दोनों को प्लस किया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज हमारे पास है 1 0 2 1, फिर बीच में प्लस है, फिर बी ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 1 0। तो ऐड करना है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी कि 1 1 में ऐड होगा। जब हम ऐड करेंगे मज़ीद आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सिंपल 1 प्लस 1 लिखो, फिर 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ गया, 1 प्लस 0 हमारे पास 1 आ गया। ये हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने निकाली है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या निकली थी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकली है जो कि है 2 2 3 1। राइट हैंड साइड को देखें 2 2 3 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब है हमने वेरीफाई कर लिया है, कि क्या वेरीफाई किया है, हमने पार्ट को फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई कर लिया। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लो, वो बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, यानी दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज लो, या दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज लेके फिर ऐड करो, तो दोनों का जवाब इक्वल आता है।